भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर जी, उपमुख्यमंत्री जी श्रीमान अरुण जी, मंचावर बसलेले सगळे नेतेगण, गोवांचे कार्यकर्ता बंधू भगिनी नमस्कार। कसे काय मजेत का? मजा मा। आदरणीय राजनाथ जी का बहुत आभारी हूं कि मुझे न सिर्फ एक नए कार्य की जिम्मेवारी दी है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता की नजरों में, देश की जनता की नजरों में एक बहुत ही बड़ा सम्मान दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मित्रों, राजनाथ जी बोलने के लिए खड़े हो गए, मुझे बिठा दिया। वैसे बाहर के लोगों को इस घटना का मूल्य समझना बहुत मुश्किल है दोस्तों। सिर्फ पद होने पर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, दिल होने पर करता है। और ये जो दरिया दिली की जिसको कहें, वो माननीय अध्यक्ष जी ने दिखाई है। और यही चीज है जो हमें दिन रात दौड़ने के लिए ताकत देती है। आखिरकार हम सब कार्यकर्ता हैं, और एक कार्यकर्ता के नाते हमें जब जो दायित्व तो मिलता है, उस दायित्व को जी जान से करना, पूरी शक्ति झोंक देना, ईश्वर ने जितनी शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, उसका पूरा उपयोग इस दायित्व को निभाने के लिए करना चाहिए। ये हम सभी कार्यकर्ताओं को संस्कार मिले हुए हैं। और उस कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों ने मुझे बनाया है, एक प्रकार से मेरा मोल्डिंग किया है, उंगली पकड़ करके मुझे चलाया है। मेरी सारी कमियों को दूर करते 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 मुझ में अच्छाइयां भरने का लगातार प्रयास किया है। और कितने वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पीछे अपनी शक्ति और समय लगाए हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जितना शक्ति और समय अपने बच्चों को दिया होगा, उससे ज्यादा मुझे दिया है और मेरा लालन पालन किया है, मेरा मोल्डिंग किया है। और ये जो संस्कार मिले हैं उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये जो क्षमता मिली है इस पर मेरा अधिकार नहीं है। इस पर अधिकार अगर सबसे पहले कोई का है तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का है। देश के सामान्य नागरिकों का है। और आज
इस पद को प्राप्त करने के बाद मैं जब पहली बार आप सबके बीच आया हूं तब मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस परंपरा के सिपाही हैं जहां पदभार यह व्यवस्था है, कार्यभार ये जिम्मेवारी होती है। पदभार किसी एक को होता है, कार्यभार सभी लाखों लाखों पे होता है। और इसलिए पदभार और कार्यभार दोनों को संतुलित रूप से चलाते हुए हम सभी मिलकर के इस देश के सामान्य नागरिक की जो आशा आकांक्षा है उसको परिपूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं का पर विश्वास है। मित्रों, मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं पर विश्वास इसलिए है, एक समय था जब गोवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगते थे स्वतंत्र गोवा के आंदोलन में, जगन्नाथ राव जोशी जैसे महापुरुषों ने जुल्म सहे थे, जेलों में जिंदगी गुजारी थी, और भारतीय जनसंघ का उस जमाने का कार्यकर्ता इस गोवा की आजादी के लिए जी जान से खपा रहता था। मित्र, अब तब कहां पता था, तब कहां पता था कि हम कभी इस राज्य के भाग्य के नियंता भी बन सकते हैं। जब हमारी जमानतें जब्त होती थी, उम्मीदवार ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, तब भी भारत मां की जय कह करके ये हजारों कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते थे। यह पूंजी किसके पास है? आज केरल में देखें, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में देखें, मित्रों, कईयों कई हमारे कार्यकर्ताओं ने जिंदगी गंवाई है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, हमें अपने विचारों से विचलित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी न भारतीय जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न उसने रुकने का नाम लिया, न उसने थकने का नाम लिया, न उसने झुकने का नाम लिया। यही तो विरासत है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे कार्यकर्ता नाम की जो व्यवस्था है, कार्यकर्ता नाम का हमारे पास पद जो है, और यहां जिला कक्षा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, ये जिला स्तर के कार्यकर्ता जब मेरे सामने बैठे हैं तब ये पार्टी में ऐसे अनेक लोग होंगे जिनका कभी अखबार में नाम नहीं छपा होगा, ऐसे अनेक लोग होंगे जिनका चेहरा कभी टीवी पर दिखाई नहीं दिया होगा, अनेक लोग होंगे जिनकी पहचान तक नहीं होगी, लेकिन दो दो तीन तीन पीढ़ी से पूरा का पूरा परिवार भारत मां की जय करते करते अपना परिवार लुटाता रहा है, तब जाकर के पार्टी बनी। मित्रों, ये पार्टी को सपने लेकर के चली है, राजनीतिक जीवन को हमने सेवा का माध्यम माना है, व्यवस्थाएं बदलने के लिए, व्यवस्थाओं को दिशा देने के लिए, समयानुकूल परिवर्तन लाने के लिए निर्णय करने की व्यवस्था में होना बहुत जरूरी होता है, और इसलिए चुनाव जीत करके सत्ता में पहुंचना आवश्यक होता है, तब जाकर के फैसले कर सकते हैं, तब जाकर के निर्णय कर सकते हैं। सत्ता हमारे लिए भोग का साधन नहीं है। मित्रों, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के सुचारू ढंग से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे थे,
लेकिन क्या कभी हमारे में से किसी ने उनकी सरकार पर कोई आरोप लगा था ऐसा सुना है? क्या कभी सुना है आपने? क्या मनोहर पर्रिकर पर कोई आरोप लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है? तो मित्रों, ये दिल्ली में बैठे उन पर दिन रात क्यों लगता है? क्या कारण है? और उनको कोई परवाह भी नहीं है मित्रों, वे करप्शन प्रूफ हो चुके हैं, उनको इसका कोई असर ही नहीं होता है। और हंसी मजाक में निकाल देते हैं मित्रों, और कितनी बेशर्मी तो देखो, अरबों खरबों रुपया खर्च करके टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, भारत के निर्माण पे हक है मेरा। लोग कहते हैं भारत के निर्माण पे शक है मेरा। आप सुनिए, गौर से सुनिए, आपको शक सुनाई देगा, हक नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे हैं कि आपके आंख कान में वही शब्द गूंजेंगे, शक है मेरा। ये काम किया है इन्होंने मित्रों। अभी अरुण जी कह रहे थे वेल बिगिनिंग हाफ डन, है वेल बिगन हाफ डन। मैं कहता हूं वेल बिगन हाफ वन। मित्र, एक सही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, और हम सबको जो छोटा मोटा दायित्व मिलता है, जिसके जिम्मे जो काम आएगा, उस काम को इतने गर्व से, इतनी मेहनत से हम करेंगे कि राजनाथ सिंह जी ने जो सपने देखे होंगे, जो डिजाइन बनाई होगी, उसको हम परिपूर्ण करके रहेंगे, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। मित्रों, ये दिल्ली में जो सरकार है, अभी क्या समझते हैं भाई आपको? आप तो जीटीवी वाले हैं, तो वो तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। वैसे सब अच्छे होते हैं, वरना कल एक स्टोरी चलेगी, ब्रेकिंग न्यूज। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी ने इंटरनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग बुलाई थी, सभी मुख्यमंत्री उस मीटिंग में थे, और अचानक उन्होंने खड़े होकर के छत्तीसगढ़ में जिन लोगों की हत्या हुई उनके प्रति एक शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जब मेरी बारी आई तो मैंने शुरू किया वहीं से, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब लोगों ने आज अपनी बातचीत का प्रारंभ छत्तीसगढ़ से किया है, और मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि के भाव प्रकट किए हैं, मैं भी उसमें मेरा स्वर मिलाता हूं, लेकिन साथ साथ छत्तीसगढ़ में सामान्य मानवी की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, उन पुलिस के जवानों के लिए भी मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।